देखो जब मरोगे तब तो मरोगे ही ना, तब तो सब नहीं मरना, या दिल जाएगा या कुछ और होगा, कुछ तो होगा ना, नहीं तो शरीर जाएगा कैसे। परंतु जब तक जी रहे हैं तब तक हम रोग मुक्त जिए, क्या ये विचार रखना बुरी बात है क्या? अच्छा वाला होता आदमी ध्यान नहीं देता, चिंता करता है, चिंता करता है, चिंता करता है, बीपी हाई हुआ, स्ट्रोक हुआ तो मुंह टेढ़ा, हाथ चलता नहीं, पैर चलता नहीं। अब वो लोग व्हीलचेयर में ला रहे थे, क्या हुआ जी? ब्लड प्रेशर में लो, हम बोल बोल थक गए, सुनते नहीं हैं। अविद्या आपके शरीर को भी प्रभावित करेगी ना, माने सुन के भी ना करना तो महामूढ़ी हो गया ना फिर। तो सुनो तो कर भी तो लो। इन थोड़े से आसनों का अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो उससे धीरे धीरे एक दिन अर्ध पद्मासन या पद्मासन करने की भी क्षमता आपकी अच्छी बन जाएगी, अथवा वीरासन कर पाएंगे, अथवा स्वास्तिक आसन, अथवा सिद्धासन, और जिसका तो नाम ही है सिद्धासन। और उसमें बैठे तो, क्योंकि उसमें बंध लग जाते हैं, और बंध लग गए तो मन के टिकने में भी बड़ा अच्छा सुंदर उसका रूपरेखा बन जाती है। अब हम ये जाने कि आसन स्थिर की जो व्याख्या है उसकी, उसके विषय में थोड़ा सा उद्बोधन जो हमें मिल रहा है सो लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी बात अभी बोल रही हूं इतनी तो समझ आ रही है ना? जब सृष्टि का क्रम बोला था मुझे पता वो मुश्किल लगा है, ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा अगर मेरी बात समझ आ रही है तो कुछ मेहनत भी करने का विचार बन रहा है कि खाली सुन के छोड़ने का विचार बन रहा है? चक्कर ये है कि जो लोग पहले वाले में नहीं थे समाधि पाद में, उनको ज्यादा कठिन पड़ा, क्योंकि उसकी पूर्व भूमिका में ये विषय को बहुत विस्तार से तब समझाया था। तो हम तो गाड़ी आगे बढ़ाएंगे ना, हम गाड़ी पीछे थोड़ी लेके जाएंगे। ऋषि पतंजलि कहते हैं 47th श्लोक का, प्रयत्न शैथल्यनंता समपत्तिभ्याम। प्रयत्न एफर्ट, शैथल्य रिलैक्सेशन, अनंता एंडलेस, समपत्तिभ्याम इट इज द यूनिफाइड कंटेम्पलेशन। नाउ हु विल अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ दिस? है ना, लग गई समझ, आगे चले। अब तो आपको मीनिंग वाला साथ में दे दिया है ना। चले 48वां। प्रयत्न किए बगैर आसन सिद्ध नहीं होता है, और आसन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। पर प्रयत्न इस तरह से होना चाहिए कि जब आप फाइनली उस आसन में बैठें तो आपका शरीर किसी कसाव या खिंचाव में नहीं है, विश्राम में है।
So we work hard so that finally when we are in the posture, it doesn't hurt us at all. So Paryatna Shaithalya. First we work hard, and the final state is where we'll be so relaxed, sitting in posture of Padmasana, no pain. लेकिन एक ही दम तो मैं बोलूँ मैं बैठ जाओ पद्मासन में नहीं बैठ सकोगे मांसपेशियाँ कसी हुई हैं तो उनको ढीला करना पड़ेगा उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा सी टू अपोजिट थिंग्स वन इज सेइंग पुट एफर्ट सेकेंड इज सेइंग रिलैक्स बट वी डू एफर्ट टू बी जब साइकिल चलानी सीखी थी याद करो तो सीट पर बैठने में भी डर लग रहा था और दोस्त ने या जिसने भी पीछे से पकड़ा वो दोस्त कह रहा है हैंडल पकड़ पैडल चढ़ा सड़क को देख बोले तेरा दिमाग खराब है तीन चीज कैसे करूं तो पैडल चलाएं तो पैडल देखें सड़क नहीं देखें सड़क देखें तो पैडल नहीं चलाएं पैडल चलाएं बैलेंस भूल जाए तीन चीजें करी थी ना कितनी मुश्किल लगी सो हार्ड जो कार चलानी सीखी है उनको पता होगा प्रेस द क्लच चेंज द गियर लूजली एंड स्लोली Loosen up the clutch and press the accelerator. Why didn't you do it? Kar to raha hu. I'm doing it, but nothing is moving. Okay, leave it, leave it. With the jerk, car stops. Balance hai ki nahi? Slowly loosen up the clutch pedal, press the accelerator. Do it. Do it. People freeze. Have you ever seen somebody who is learning? Oh, wheel ko aise pakadte na jaise bhag jayega. Par ek baar aapne ye seekh liya, phir chalao, baatein karo, aam khao, gaana gaao, kuch karo. मतलब मैंने बोला है तुम खाने मत लग जाना आ गई सत्यानाश मोबाइल फोन से हो रखा है बैंग इन द रोड दैट डे द पर्सन इज नॉट मूविंग इन माय ड्राइवर वाज हंकिंग व्हाट वाज ही डूइंग ही वाज ऑन फोन इज नॉट इवन लिसनिंग टू अस व्हेन यू लर्न ड्राइविंग व्हेन यू लर्न साइकिलिंग व्हेन यू लर्न स्विमिंग It's tough. Once you have learnt it, easy. So, जब आसन सीखने की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल ही लगेगा हम एक को जब सिखा रहे थे तो मैंने कहा अब सीधे बैठो दंडासन में बैठ गए बाएं ऊपर उठाओ उठा ली अब नीचे झुकना है और पैर के अंगूठों को पकड़ लो ये तो मेरा ध्यान इधर गया पकड़ लिए कह रहे बड़ी दूर है हाथ घुटने तक ही आए थे भी तेरे पैर के अंगूठे हैं तेरे हाथ हैं तुम्ही को पकड़ने कोई और थोड़ी पकड़ेगा लेकिन आज 5 वर्षों के बाद अंगूठा भी पकड़ लेगा टांग भी घुमा लेगा घुमा के सिर पे भी रख लेगा सब ट्विस्ट हो रहे हैं पहले क्यों नहीं हो रहा पर्यटन पहले पर्यटन और पर्यटन के प्रभाव से फिर शरीर इतना रिलैक्स हो जाता है कि अभ्यास करने वाले को आप सोफा में बैठा दो कुर्सी में बैठा दो वो पैर नीचे लटका के बैठ ही नहीं सकेगा वो उसमें भी आलती पालती मार के बैठ जाएगा आदत हो जाती है ना
रीढ़ की हड्डी सीधी बॉडी पिरामिड शेप में होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आसना इज, एग्जैक्ट पिरामिड शेप. इट्स ब्रॉडर ऑन द बेस एंड नैरो ऑन द टॉप एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेफ्ट एंड राइट. All those people who have lumbar pain, reason is their lumbar is weak. Why weak? They don't sit proper. So sit erect. Always remind yourself, I have to sit erect. Also, जहाँ कहीं शीशा दिखे ना, बाल बाल तो चलो कर लेना ठीक, कोई बात नहीं, पर कंधे भी देखा करो. जब मैं बैठता हूँ तो मेरे कंधे सही हैं कि झुके हुए हैं कि गलत हैं, और मेरी नज़र जहाँ जहाँ भी जा रही है सबके डिसबैलेंस्ड है. जब ये डिसबैलेंस्ड होगा तो सर्वाइकल पेन आ जाएगी. कमर झुका के बैठते रहेंगे, कमर की दर्द शुरू हो जाएगी, और फिर खाते रहो गोलियां, लगाते रहो ट्यूब्स, पेन जाती कोई नहीं. इट्स वेरी इजी टू ट्रीट आवर बॉडी इफ वी नो द लिटिल साइंस ऑफ अ बॉडी. आई कैन से दैट कैटेगोरिकली बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. तो हमारे जीवन में सुंदरता के साथ आसन के जो प्रभाव हैं उनको हम अनुभव कर सकें, उसके लिए पहले पहल थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है. अब जो शरीर का धारण करने वाला है, अगर शरीर को ढीला ढाला छोड़ोगे ना, तो इसको शरीर को आदत पता क्या है, ये तमोगुण का है ना शरीर, इसे आलस्य बड़ा प्यारा है. चलो ऐसे बताओ मेरे को, मैं तुम्हें कहूं यहां से बाहर जीटी रोड तक तुम्हें भाग के जाना होगा, रुकना नहीं, बड़ी जोर से भागना. अच्छा मैं कहूं चलो भाग नहीं सकते, चलो चुन लो, या भाग लो या चल लो, क्या पसंद करोगे? मैं कहूं चलो रिक्शा दे देते, उसमें बैठ के चले जा, चलना पसंद करोगे कि बैठना? अच्छा आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, वो बोले जी बैठने की भी सीट है सोने वाली भी है, कौन सी लोगे? जितना एक्शन कम होता जाता है ना, उतना हमारा सुख शरीर का बढ़ जाता है. तो भागने में सुख की चलने में, चलने में सुख की खड़े होने में, खड़े होने में सुख की बैठने में, बैठने में सुख की लेट जाने में, लेटने में सुख की सो जाने में, सोने में सुख की मर जाने में. जितनी क्रिया कम होती जा रही है उतना सुख बढ़ता जा रहा है. तो शरीर को स्थिर करके जब हम बैठाएंगे तो सुख बढ़ेगा कि कम होगा? इसे कहते स्थिरम सुखम आसनम. जब आसन सिद्ध होने लग जाएगा और आप बैठे, अब बैठने के बाद धीरे धीरे होगा ये, देह का अध्यास छूटने लग जाएगा, तो देह बैठी तो दुख नहीं देगी, देह दुख नहीं देगी तो अभ्यास गहरे हो जाएंगे. अभी थोड़ी देर बैठो तो ये दुख गया वो दुख गया, नहीं तो मन ही दुख जाता है, अरे कब तक बैठे आंख बंद करके, उठ जाओ उठ जाओ. कौन नहीं बैठने देता? शरीर के मन. So, isn't it strange? I say sit erect and now meditate. I should actually say, calm your mind and let's meditate. Forget about the body. But can you forget about the body? Body won't let you forget itself. क्योंकि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ. स्थिर आसन का अर्थ ये है कि शरीर बैठा है और हमें उसका ध्यान भी न रह जाए. इतने कंफर्टेबल है.
अब योगी पद्मासन में अब ये हमने देखा है। आठ घंटे पद्मासन में बैठ जाएंगे, खाते पीते हैं नहीं, इसलिए ना बाथरूम जाने की जरूरत है, ना उठने की, ना हिलने की। आठ घंटे, 24 घंटे, एक हफ्ते, 40 दिन, 3 महीना, एक ही आसन। अरे इनको कुछ चाहिए नहीं। एक बार मैं स्वामी जी को मिलने गई तो चांस की बात है कि उस दिन अखबार में मेरा एक लेख छपा हुआ था जिसमें ये था कि मनुष्य जो है वो सिर्फ अन्न से ही नहीं जीता है। उसका हेडिंग ये था कि मनुष्य सिर्फ अन्न से ही नहीं जीता है। मैं जब गई तो वहाँ उनकी एक शिष्या वो कह रही थी कि आप कहो ना महाराज जी को, कुछ नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, जरा सा कुछ रस तो ले लें, देखो मैं लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं लेते। तो उन्होंने पहले से वो अखबार का वो पेज निकाल के ना ऐसे सजा के साइड में रखा हुआ था। जैसे ही वो बोले ना, कहते देखो ये इनका लेख है, पढ़ो, ये इनका लेख है, पढ़ो। कह रहे आप कहो ना महाराज को कि कुछ ले लें। मैंने कहा आपको मैं क्या कहूँ, आप समझते ही नहीं, जिनके पास आप बैठे हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे आवश्यकता है खाने पीने की। उनका शरीर सिर्फ अन्न से नहीं चल रहा है, प्राण विद्या के वो जानकार है। पेड़ भोजन करते हैं क्या? इन अ वे यस। व्हाट डू ट्री ईट? इट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द अर्थ। सो द ट्री सिस्टम डजंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। अ योगी नोज हाउ टू टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सन, फ्रॉम एयर। They know that. Hence they can sit for weeks and months in one posture. कोई बीमार हो जाए तो उसको पाइप के जरिए लिक्विड न्यूट्रिएंट खाना नहीं दे रहे होते। मुंह से वो कुछ खा नहीं सकता है तो उसको पाइप के जरिए देते हैं, उस पर भी जीवित रहता है वो। योगी इस विद्या को जानता है जिसकी वजह से उसको इस अन्नमय कोष के लिए भी किसी अन्न की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ये एक बड़े भिन्न प्रकार के योगी होते हैं। राजस्थान में अभी एक संत हैं जिन्होंने पिछले लगभग 70 साल से कुछ नहीं खाया, न खाया है न पिया। देवी भगत हैं वो, देवी उपासक हैं वो। उनके ऊपर बड़े टेस्ट किए गए, उन्हें ग्लास के चेंबर में बैठा करके ऑब्जर्व किया गया कम से कम 10 दिन। उनका वेट, उनका बीपी, वाइटल सब लिए गए और फिर जब उन्हें बाहर उसमें से निकाला गया तो फिर से सब वाइटल्स लिए गए, बिल्कुल ठीक, कुछ फर्क ही नहीं।